जय माता दी। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए और क्यों करते हैं लोग। जी हाँ, पीपल पूजा पाठ करके भी परेशानी दूर नहीं हुई तो मात्र 7 शनिवार जलाएं इच्छा पूर्ति दीपक। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शनि से कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखते हैं और व्यक्ति को कभी भी उनके क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि इस दिन ना सिर्फ शनिवार और शनि भगवान बल्कि माता लक्ष्मी का भी निवास स्थान पीपल का वृक्ष ही होता है। शिव पुराण में भगवान इंद्र के पूजन का दिन शनिवार को ही बताया गया है। सतना के आध्यात्मिक गुरु रमाशंकर जी ने बताया है कि शनि न्याय और कर्म फल दाता है, माता लक्ष्मी धन वैभव प्रदान करती हैं और भगवान इंद्र समस्त अलौकिक सुख के स्वामी हैं। इसलिए ना सिर्फ भगवान शनि बल्कि शनिवार को दोनों देव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बात करते हैं शनिवार को पेड़ के नीचे दीपक रखने का महत्व क्या है। शनि भगवान की मिलती है दया दृष्टि। जी हाँ, मुख्य रूप से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से शनि की 7.5 से जल्द ही मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि शनिवार को भगवान शनि को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए और संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रखना चाहिए। इससे भगवान शनि की कृपा आप पर बनी रहती है, शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है और जीवन में शांति और क्लेश मिटता है। नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा होती है आप पर। जी हाँ, भगवान नारायण स्वयं वासुदेव हैं और माता लक्ष्मी इस दिन यहाँ वास करती हैं। ऐसे में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी दिन होता है इंद्रदेव का पूजन। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार शनिवार का दिन भगवान इंद्र की पूजा का बड़ा ही उत्तम दिन माना गया है। इसी दिन इंद्र की भी पूजा होती है। इंद्र भगवान को संसार भर के अलौकिक सुख का स्वामी कहा जाता है। इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक रखकर इंद्र देव को स्मरण कर लिया गया तो अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है आपको तेल के दीपक का महत्व पता होना चाहिए। तेल जो है आरोग्यता प्रदान करता है, साथ ही साथ शत्रुओं से रक्षा पर विजय प्रदान करता है। ऐसे में घर के बाहर तेल का दिया जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। यह भगवान शनि को अत्यंत प्रिय भी है, इसलिए शनिवार के दिन शाम को दोनों देव और माता लक्ष्मी का स्मरण कर दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आज शनिवार है और उम्मीद है आप भी सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और अपने जिंदगी में अपने परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आमंत्रित करेंगे। दोस्तों मैं फिर से प्रस्तुत होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।